तो बच्चों आज हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना सीखेंगे पहले वेक्टर फॉर्म में। तो ये वेक्टर फॉर्म बड़ी ज़रूरी है, ये सीख लेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म इजी हो जाती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को वेक्टर फॉर्म में ही दिक्कत आती है, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म को थोड़ा समझते हुए करेंगे। कोई टीडियस नहीं है, प्रोसेस बड़ी सिंपल है। तो इसमें पहली है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो एक गिवन वेक्टर से जा रही है और एक दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। मीनिंग क्या है इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। टॉपिक टीडियस नहीं है और हो सके तो इसको वेक्टर फॉर्म से हम लोग अक्सर थोड़ा घबराते हैं, लेकिन हमें पढ़ना वेक्टर फॉर्म में ही है और समझते हैं उसको और वहीं से ही ईजी भी बनती है। ये है क्या कि जैसे मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट एक गिवन पॉइंट है पी, ठीक है ना। इसका पोजिशन वैक्टर है मान लिया वैक्टर ए, इससे ये जा रही है, ठीक हो गया। तो लोकस निकालने के लिए एक वेक्टर और ले लेते हैं यहाँ पर, लेट दिस पॉइंट बी क्यू। और इसका जैसे पोजीशन वेक्टर हमने ए माना था, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट आर मान लिया, ठीक। तो ये इस ए वेक्टर से तो पास आउट हो रही है। अब दिया क्या है कि ये किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल है, तो मान लिया ये गिवन वेक्टर है बी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है पी क्यू जो दो पॉइंट से जा रही है वो इस गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ये जो गिवन वेक्टर पी है इस पे कमांड करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के जितने भी टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं इस गिवन वेक्टर से रिलेटेड होते हैं। आप चाहे आगे को भी जब हम टॉपिक जितना पढ़ते जाएंगे तो इस पर कमांड आज ही कर लेंगे, आज ही समझ लेंगे तो एक क्लियर हो जाएगा। अब समझो आप कि ये था पी वेक्टर, ये था क्यू। तो अब अगर हमसे कहा जाए कि इस पी क्यू वेक्टर की इक्वेशन निकालनी, तो बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये बन गया आर माइनस ए, ठीक है। अब ये जो पी क्यू वैक्टर है ये किसके पैरेलल है, पी के। तो ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा होता है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हों तो ए इक्वल टू लेमडा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप पी क्यू इज इक्वल टू लेमडा बी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी या आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, एक ऐसा वैक्टर जो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक वेक्टर से पास हो रही है और दूसरे के पैरेलल हो गई। अच्छा, इसी में एक कंडीशन और बनती है कि इसी को हम थोड़ा सा टॉपिक क्यों चेंज कर लेते हैं, पासिंग थ्रू आ की जगह टू गिवन वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं और इस, तो पहले वाला तो हमारा क्लियर हो गया, पासिंग थ्रू टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे ये क्या होगा, तो ये या टू पॉइंट्स होंगे तो दोनों पॉइंट्स के दो गिवन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। वो दो पॉइंट ही होंगे जिनके वेक्टर हम बना रहे हैं। तो इसकी प्रोसेस को समझते हैं, सेम वही प्रोसेस, दिस इज एक्स वेक्टर, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब मान लिया कि एक पॉइंट तो था ये पी और यहाँ से वो लाइन जा रही है, दूसरा पॉइंट है लेट क्यू और एक और मान लो कुछ आर मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर वाला पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में लोकस निकालेंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर, लेट इसका पोजीशन वेक्टर है बी और इसका हमने मान लिया ए। अब आप देखो ये तीन पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, तो इसकी मीनिंग कि अगर आप पी क्यू और क्यू आर की बात करें ये भी पैरेलल हैं, है ना। तीन वेक्टर अगर पैरेलल, आपने करा होगा कि टेंथ में भी होता था, इलेवेंथ में भी होते थे, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में कि तीन को पैरेलल दिखाना है तीन पॉइंट्स को, तो दो के जो डिस्टेंस होती है वो तीसरे के कुछ ही रेशियो या उस फॉर्म में आती है, कुछ मल्टीपल में आती है, तो वही प्रोसेस यहाँ लग जाएगी। तो अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो पी क्यू है नहीं, पी क्यू को आप लिख सकते हैं पैरेलल ऑफ पी आर या क्यू आर, ऐसा करा जा सकता है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे ये पी आर है, अगर हम इस पी आर की बात करें, ये पी क्यू की हमारा लोकस वाला पॉइंट भी आना जरूरी है, तो पी आर इज सम टाइम्स ऑफ क्या हो सकता है, पी क्यू हो सकता है नहीं, ये पी क्यू हो गया। तो अब इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं कि पी आर इज सम टाइम्स ऑफ पी क्यू, ठीक है। इस प्रोसेस को अप्लाई करते हुए अब पी आर की इक्वेशन क्या आएगी, देखो पी आर में आर का पोजिशन वैक्टर स्मॉल आर है, पी का पोजिशन वैक्टर स्मॉल है, तो आर माइनस ए लेमडा। अब ए का पोजिशन पी का पोजिशन वैक्टर ए है, क्यू का बी है, तो लेमडा बी माइनस ए। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कितनी इजी है।
अब हम इन दोनों इक्वेशन को कार्टिजन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो बच्चों उन्हीं को हम लोग कार्टिजन में चेंज करते हैं। पहला वाला जो हमने पढ़ा था, पासिंग थ्रू ए गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, ठीक है, तो वो था आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी। अब इसमें कोई दिक्कत वाली प्रोसेस नहीं है, सिंपल है कि जो आपको ए पॉइंट दिया, ए हमारा एक फिक्स्ड वेक्टर था, तो लेट अगर इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए होते एक्स और वाई और जेड मान लें, जो हमने कुछ इस तरह का फिगर बनाया था ये वाला, तो ये हमारा पी पॉइंट लिया था, इसका पोजिशन वैक्टर हमने ए एज्यूम किया था, तो लेट इसके कोऑर्डिनेट आप चाहें तो x1, y1 और z1 मान लेते हैं इसको, ठीक है ना, x1, y1 और z1, और जो दूसरा पॉइंट हमने r लिया था जिसके रिस्पेक्ट में हमने लोकस निकाला था उसको x, y और z मान ले। तो जो वेक्टर a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 g कैप k कैप, और r को लिख सकते हैं x i कैप, y j कैप, z k कैप, दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन गया एक्स आई वाई जे जेड के कैप, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप और जेड वन के कैप। अब बात आई बी वेक्टर की, तो कोई दिक्कत नहीं, बी वेक्टर के लिए आप ये मान लो कि जो आपको पैरेलल वेक्टर दिया गया था ये वाला, इस तरह से जो उसके पैरेलल निकाल के इक्वेशन निकाली थी हमने, उसको ऐसा मान लेते हैं ए आई बी जे और सी के, तो इसकी जगह रख दिया ए आई कैप बी जे कैप जेड सी कैप। अब कंपेरिजन कर लेते हैं, पहले इसके आई वाले इधर ले आओ, इन तीनों को इधर ले आते हैं, एक्स माइनस एक्स वन वाई कैप, वाई वाई माइनस वाई वन जे कैप, जेड माइनस जेड वन के कैप इज इक्वल टू लेमडा ए आई कैप, लेमडा बी जे कैप, लेमडा ये सी आएगा, लेमडा सी के कैप, ठीक है, ये तीन कंपेरिजन हो गए। अब इक्वेशन क्या आएगी, तो इसमें अब कंपेरिजन कर लें, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा ए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा बी एंड z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा सी, या x माइनस एक्स वन अपॉन ए लेमडा, y माइनस वाई वन अपॉन सॉरी बी इज इक्वल टू लेमडा, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लेमडा, तो तीनों को कंबाइन कर दें, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D वाली जो है कार्टिजन के फॉर्म में। तो बच्चों इसी में जो हमने स्ट्रेट लाइन अभी सीखी, इसी में एक टर्म आता पैरामीट्रिक इक्वेशन आता, तो मैंने आपको एक पूरा लेक्चर बनाया था पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स का, तो उसी से हम जोड़ लेते हैं, जो हमने माना था एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, अभी हमने निकाला वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, लेट दिस इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा इज ए गिवन पैरामीटर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए लेमडा, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस बी लेमडा, जेड इज इक्वल टू जेड वन प्लस सी लेमडा। इसी तरह की इक्वेशन आपको याद होगा 2D में जब मैंने स्ट्रेट लाइन पे लेक्चर बनाए थे तो वहाँ भी आती थी, जब एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा के फॉर्म में वो निकला करती थी, ठीक है नहीं। तो ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है, और इसी में अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो कि स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो सेम वही इज इक्वल टू लेमडा या आर या कुछ भी मान लीजिए, ये उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। तो बच्चों ये हमारा जो पहला टॉपिक था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से जा रही है उसके पैरेलल थी, इसी में जो हमने दूसरा वाला बनाया था कि जब वो दो पॉइंट से जाती है, कि एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमने वेक्टर पोजिशन वेक्टर ए माना था, एक का बी वेक्टर माना था, और तीसरा हमने आर लिया था, तो उसकी निकाली थी हमने कुछ इस तरह की आ रही थी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो अगर आपको इसको कार्टिजन में चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एक्स वाई और जेड मान लीजिए, मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको आप मान लीजिए एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको आप मान लीजिए एक्स टू वाई टू और जेड टू, सेम वही प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, कंपेरिजन कीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए आर की जगह पर एक्स आई वाई जे जेड के, ए की जगह पर एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, एक्स बी की जगह पर एक्स टू वाई कैप वाई टू जे कैप जेड टू के कैप, तो कंपेरिजन करके जब आप सॉल्व करेंगे लेमडा की वैल्यूज को तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा आएगा। तो फिलहाल ये इक्वेशन आपकी कार्टिजन फॉर्म में ऐसी आ जाती है। तो बच्चों ये हमारा
जो टॉपिक था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने वाला, वो दो टाइप से पूरा हो गया है। वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाए तो कार्टेशियन तो उसमें आराम से इंटरचेंज हो जाती है, तो वेक्टर पे ही आपको कमांड बनानी है। थैंक यू।